गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कौशाम्बी स्टडी पॉइंट। पिछले वीडियोस में हमने देखा कि कुछ स्पेशल वर्ड्स का हमने ट्रांसलेशन किया और कई वीडियोस पड़े हुए हैं जिनमें कुछ ऐसे शब्द मैं लेकर आया था ट्रांसलेशन में जो हर जगह आपको नहीं मिलते हैं। वो शब्द मैंने चुने और आप लोगों को दिया और आज हम ट्रांसलेशन में आगे बढ़ते हैं और पैसिव वॉइस, एक्टिव और पैसिव, इसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है उसको सीखते हैं। और जो स्पेशल वर्ड्स के ट्रांसलेशन चल रहे थे उनकी चर्चा, अगर बीच फिर कोई शब्द मिलेगा फिर बीच बीच में बात करते रहेंगे। तो हम लोग बात करते हैं ट्रांसलेशन में एक्टिव और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इन दोनों को मिलाकर आप इनको वॉइसेस भी बोल सकते हैं। अब आप लोग अगर एक्टिव पैसिव के ग्रामेटिकल रूल देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल में जाइएगा, प्लेलिस्ट में पैसिव वॉइस के वीडियो पड़े हुए हैं, 7-8 वीडियो हैं, उन्हें आप देखिए और बहुत सारी चीज़ें वहाँ क्लियर होंगी। वही पैसिव वॉइस, लेकिन हम इसको ट्रांसलेशन बेस में देखते हैं। अब ये देख ले, एक्टिव वॉइस को हिंदी में बोला जाता है कर्त्य वाच, और इसको बोला जाता है कर्म वाच, कर्म वाच बोला जाता है। अगर दूसरों शब्दों में हम इसको कहा जाए, ए सेंटेंस हुज वर्ब इज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस, एंड ए सेंटेंस हुज वर्ब इज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। क्लियर? तो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट कर्ता होता है वो एक्टिव वॉइस होता है और जिसमें ऑब्जेक्ट कर्ता होता है वो पैसिव वॉइस होता है। अब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के जो पहला वीडियो पड़ा हुआ पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट, आप पैसिव वॉइस उसको आप देख लीजिएगा, वहां से कुछ चीजें मैं आज आपको बता रहा हूं। हमारा जो जनरल सेंटेंस होता है वो एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस जो होता है वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजें होती है एक्टिव वॉइस में। और जब इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसमें क्या होता है, आप जान लीजिए, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, यहाँ पर एक न्यू एक्सिलरी आ जाती है, आप जिसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। क्लियर? इसके बाद ये वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है, फिर इसके बाद यहाँ पर बाई या किसी अन्य प्रीपोजिशन, यहाँ केवल बाई ही प्रीपोजिशन के रूप में नहीं यूज होती, बहुत सारे और प्रीपोजिशन है जिनका प्रयोग बाय के स्थान पर किया जाता है। हालांकि मोस्टली यू हैव सीन इट, ओनली बाय इज यूज्ड, ओनली बाय इज यूज्ड, अक्सर आप देखेंगे बाय का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में विद भी आता है, टू भी आता है, इन भी आता है, एट भी आता है, ये बहुत सारे, और इनके बारे में जानना है तो मेरे वीडियो में जाइए, वहां आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। यहां देख लेते हैं, अब इसी के आधार पर मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। एक्टिव से पैसिव बनाते समय अगर आप इसको देखें तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। क्लियर? फिर देखें पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। फिर देख लें पैसिव वॉइस में नई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, पैसिव वॉइस में नई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है और नई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नए सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। और नया सब्जेक्ट कैसे बेटा? यहां देखें पहले तो सब्जेक्ट ये था और अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, तो न्यू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग न्यू सब्जेक्ट के अनुसार, नए सब्जेक्ट के अनुसार करना चाहिए। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि नई हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है और वो सब्जेक्ट के अनुसार होती है। और यहाँ पर देख लीजिए ये
वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, वर्ब को वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। अगर हम ये कहें कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, या दूसरे सेंटेंस में हम ये कह दें कि पैसिव वॉइस इज नॉट पॉसिबल विदाउट वी थर्ड, बिना वर्ब के थर्ड फॉर्म के पैसिव वॉइस संभव नहीं है, ये भी कह सकते हैं आप। लेकिन ये जान लीजिए, ये भी एक एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज्यादा तो नहीं, तो एक सेंटेंस आपको पूरे पैसिव वॉइस में मिलेंगे जहां पर इसका एक्सेप्शन मिलेगा, जहां वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं होता बल्कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? आगे चर्चा करेंगे हम, या आप अगर आज ही आपको जानना है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, पूरे वीडियो देख लीजिएगा, 7-8 वीडियो पैसिव वॉइस के हैं, उसमें आपको मिल जाएगा, यहां भी मैं बताऊंगा। क्लियर? फिर देख लें, वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया जाता है, मोस्टली बाई का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके स्थान पर मैं आपको बता दूं अन्य प्रीपोजिशन का भी प्रयोग किया जाता है, जिनमें विद भी है, एट है, इन है, टू है। क्लियर? और इन ये डिपेंड करता है वर्ब पर। व्हाट प्रीपोजिशन शुड बी यूज्ड आफ्टर द वर्ब आर बिफोर द ऑब्जेक्ट, इट मस्ट बी डिपेंडेड ऑन द वर्ब। वर्ब पर निर्भर करेगा कि कौन से प्रीपोजिशन लगाई जाएगी। क्लियर? तो ये चीज आप लोग देख लीजिएगा। और एक बात बता दूं, आप लोग जान लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको, पैसिव वॉइस केवल ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है, ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है, अर्थात इन ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस संभव नहीं है। क्लियर? लेकिन मैं आपको बता दूं, इंग्लिश एक्सेप्शन से भरा पड़ा है, इंग्लिश अपवादों से भरा हुआ है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जितने एक्सेप्शन है इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में जितने एक्सेप्शन है वही इंपॉर्टेंट है, जनरल चीजें तो सभी को पता है। अब यहां पर देखिए, कह रहा पैसिव वॉइस केवल ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है, इन ट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस नहीं बनती। लेकिन मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसी इन ट्रांजिटिव वर्ब हैं जिनकी पैसिव वॉइस बन जाती है, लेकिन उसके साथ कंडीशन का प्रयोग होता है। तो कुछ ऐसे इन ट्रांजिटिव वर्ब हैं जिनके साथ यदि प्रीपोजिशन का प्रयोग हो जाता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब का काम करने लगते हैं, वो ट्रांजिटिव वर्ब का काम करने लगते हैं। और जब ट्रांजिटिव वर्ब का कार्य करने लगते हैं तो फिर उनका पैसिव वॉइस भी बन जाता है, उनकी पैसिव वॉइस भी बन जाएगी। तो ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। कहीं एक चीज बता देता हूं, ही लुक्स आफ्टर मी, यहां जो लुक्स था ये यहां इन ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन यहां आफ्टर जो प्रीपोजिशन जुड़ गया है इसकी वजह से ये ट्रांजिटिव वर्ब बन गया और इसका ऑब्जेक्ट भी हो गया। क्लियर? तो ये हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब, इसकी पैसिव वॉइस भी बन जाएगी। आई एम लुक्ड आफ्टर बाय हिम, क्या हो जाएगा, ये था एक्टिव और इसकी पैसिव वॉइस हो जाएगी आई एम लुक्ड आफ्टर, looked after by him। बहुत सारे सेंटेंस आपको इस तरह के देखने के मिलेंगे इस तरह के, तो उनको भी आप देखते चलिए। यहां तो मैंने ये बात बताई थी पैसिव वॉइस में कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी प्रयोग, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी पैसिव वॉइस में आ सकता है। तो आप लोग उसकी पैसिव वॉइस जब आप वहां पढ़ेंगे, मेरे यूट्यूब चैनल में जाइएगा, वहां देखिएगा, तो पता चलेगा आपको
कि जो इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाते हैं वहाँ मैंने चार प्रकार से उनकी पैसिव वॉइस बनाने के रूल बताए हैं। P1 स्टार्टेड विथ लेट, पैसिव वॉइस जो पहले प्रकार का बनता है वो लेट से स्टार्ट होता है। दूसरा होता है सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा जिसके बाद शुड का प्रयोग होता है। तीसरा भी सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा उसमें टू बी का प्रयोग किया जाता है। और फोर रूल मैंने जो बताए हैं उसमें बताया सब्जेक्ट प्लस आर बाई ओ मीन्स आर फॉर रिक्वेस्ट ओ फॉर ऑर्डर। जब आप आर बाई ओ का प्रयोग करके रिक्वेस्ट या ऑर्डर का प्रयोग करके पैसिव वॉइस बनाएंगे तो फिर कनेक्टिंग वर्ड के रूप में टू का जो प्रयोग होगा वहीं पर टू के बाद आने वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होती है। ये तो आप पहले से ही जानते हैं। तो वही पैसिव वॉइस पूरे पैसिव वॉइस में वही एक सेंटेंस है जहां पर आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा, अन्यथा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? तो ये सारी चीजें आप नोट कर लें और आगे और ट्रांसलेशन की बात हम लोग अभी करते हैं। हो सकता है लाइव प्रॉब्लम है, थोड़ी सी बात करूंगा उसके बाद फिर बाकी बातें कल देख लेते हैं। आज इसे आप नोट कर लें। इसको बेस मानकर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बेस मानकर पैसिव वॉइस पढ़ने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है क्लियर नहीं है, ठीक है, बाकी चीज़ें हम लोग ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस कल देखते हैं। आप लोग हमारे वीडियो को पूरा देखिए, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि अन्य लोग भी इस वीडियो को देख सकें। और जो लोग नए हैं इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, जुड़े रहें। अगर आपको इन सब चीज़ों की जानकारी लेना है, इन सब चीज़ों को पढ़ना है तो मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।